राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। आमेर किला सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर आप जयपुर आते हैं और आपने आमेर किले को नहीं देखा तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। आमेर दुर्ग जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। आमेर किला अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसे अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक आमेर किला। इसके साथ साथ आमेर किले के इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो गाइस, कुज्जू इन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश और अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। तो आमेर फोर्ट है वो सिटी पैलेस से लगभग 9.6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो अभी हम सुबह सुबह जल्दी उठ के नाश्ता कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट की ओर। तो वीडियो में दोस्तों जुड़े रहना बिना स्किप किए, आज मैं आमेर की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आमेर। तो दोस्तों अब जानते हैं आमेर कैसे पहुँचा जाए। आमेर जाने के लिए आप हवा महल के पास स्थित बड़ी चौपड़ से आपको बस मिल जाएगी या तो यहां से आप ऑटो हायर करके भी जा सकते हैं। आमेर किला जयपुर के सिंधी कैंप से 11 किलोमीटर की दूरी पे आमेर एरिया में स्थित है। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ बड़ी चौपड़ के पास। यहां पे बड़ी चौपड़ नाम का एक चौराया है। तो यहां से आपको आमेरगढ़ के लिए भी यहां से आपको बसें मिल जाएगी और ऑटो भी यहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों आमेर किले के पास अभी हम पहुंच चुके हैं और अब जानते हैं कि यहां से आमेर किले के ऊपर हम कैसे पहुंच सकते हैं। किले के ऊपर जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहां से आपको ऊपर जाने के लिए जीप भी मिल जाएगी या तो फिर आप हाथी की सवारी करके भी किले तक पहुँच सकते हैं। और यदि आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से आप किले तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप आमेर फोर्ट के ऊपर हाथी से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे हाथी के 2% के 1100 रुपये हैं। तो 1100 रुपये में आपको ऊपर छोड़ देगा ये और वापस आपको पैदल ही आना पड़ेगा। तो हम लोग अभी हाथी से जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप पैदल या फिर हाथी से आप किले के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी जो किले के अंदर जो एंट्री है वो सूरज पोल से होगी। और यदि आप जीप या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जा रहे हैं तो आपकी जो एंट्री है वो चांद पोल से होगी। आमेर महल में एंट्री करने के लिए ये दोनों जो गेट है वो आमने सामने बने हुए है। तो दोस्तों अब जानते हैं आमेर किले के इतिहास के बारे में। कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह प्रथम ने 1589 में इस किले की नींव रखी थी। इसके बाद इस किले के उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का नवीनीकरण करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में साल 1727 में यह किला बनके तैयार हो गया था। किसी जमाने में आमेर की ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसे साल 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था, जिस पर कालांतर में कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने आमेर किले की नींव 1589 में रखी थी और इस किले को उन्होंने अपने रेसिडेंस के रूप में बनवाया था। इसके बाद के राजाओं ने लगभग 138 सालों तक अपनी सुविधाओं के अनुसार इस महल का सुधार और निर्माण कार्य करवाते रहे। तो दोस्तों अभी हम हाथी पे बैठ चुके हैं और हाथी पे बैठ के अभी हम आमेर फोर्ट की ओर चल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे। मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हाथी के ऊपर बैठ के जाने का। आज से पहले कभी बैठे नहीं है हाथी पे, पहली बार बैठ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप आमेर किले पर पैदल आना चाहते हैं तो सामने बने दिले आराम बाग से आपको एंटर होना है। इस बाग को दलाराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। आमेर किले को बनाने के लिए राजा मानसिंह ने जिस आर्किटेक्ट को काम दिया था उसका नाम दलाराम था, तो उसी के नाम पर से इस गार्डन को बनाया गया था। तो दोस्तों दलाराम बाग से एंटर होने के बाद आप देखिए यहाँ से आपको इसी रास्ते से आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो इसी सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर पहुँच सकते हैं। आमेर किले के नीचे एक झील बना हुआ है जिसे मावठा झील के नाम से जाना जाता है और मावठा झील के अंदर एक उद्यान बना हुआ है, उसे केसर क्यारी कहा जाता है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि इसे केसर क्यारी इसीलिए कहा जाता है कि किसी जमाने में इसमें केसर बोई जाती थी। राजा जयसिंह ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाकर यहाँ पर लगवाए थे, मगर राजा को यहाँ पर केसर उगाने में कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि केसर केवल ठंडी जगहों पर ही उगता है और इसके बाद यहाँ पर सुगंधित फूलों और खसखस जैसे पौधे यहाँ पर लगाए गए थे। तो दोस्तों इस उद्यान के ऊपर से जब भी हवाएं चल के आमेर किले को टकराती थी तो आमेर किले को खुशबूदार बना देती थी। साल 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी। आमेर किले को अंबर किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम यहाँ पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम ऊपर से रखा गया था। आमेर किले की सुरक्षा के लिए आमेर किले की चारों ओर अरावली की पहाड़ियों के ऊपर इस तरह की दीवार बनी हुई है जो 12 किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी हम भैरव पोल से एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर एक भैरव जी का मंदिर भी बना हुआ है। इस महल में प्रवेश करने के दो दरवाजे बनाए गए थे। इनमें से पहला दरवाजा जिसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है, पोल का मतलब होता है गेट यानी दरवाजा। तो दोस्तों अभी हम सूरज पोल से इस किले के अंदर एंटर हो रहे हैं। पहले के जमाने में राजा महाराजा हाथी के ऊपर बैठ के इसी दरवाजे से प्रवेश किया करते थे और आज भी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाथी इसी दरवाजे से अंदर आते हैं। इस किले का दूसरा गेट है चांदपोल। ये आमेर की आम जनता के लिए आने जाने का रास्ता हुआ करता था। दोस्तों ये जो ग्राउंड दिख रहा है उसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है और ये उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था और इसके अलावा यहाँ पर होली और दिवाली जैसे त्योहार भी इसी जगह पे मनाए जाते थे। चांदपोल के सबसे ऊपर की मंजिल पर नौबत खाना हुआ करता था जिसमें ढोल तबले नक्कारे आदि बजाए जाते थे। जब भी राजा महाराजा युद्ध जीत के या फिर कोई मेहमान इस नगर में या इस किले में एंटर होता था तो यहाँ पर ढोल नगारे बजा के उनका स्वागत किया जाता था। दोस्तों फाइनली हम आमेर फोर्ट पे पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड में पानी। यहाँ पे आमेर फोर्ट के देखने की एंट्री टिकट है, पर पर्सन 100 रुपये है। तो अभी हमने टिकट ले चुके हैं, हम आपको दिखाता हूँ मैं। एक व्यक्ति का 100 रुपया टिकट है यहाँ का किला देखने का। तो हम 4 लोग थे यहाँ पे, तो 4 लोगों का हमारा 400 रुपया टिकट हुआ है, पर पर्सन 100 रुपया हुआ किला देखने का। दोस्तों आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं वो सी पोल है, लायन पोल है, जहाँ से हम आमेर फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे। और ये देखिए यहाँ से आपको ऊपर आना है। जलेब चौक से मुख्य महल में प्रवेश करने के रास्ते में सिंह पोल स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। सिंह शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को सिंह द्वार भी कहा गया है। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं दीवाने आम के पास और यहाँ पे देखिए आप मेरी बैक साइड में जो देख रहे हैं वो दीवाने आम है। तो इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स में बताता हूँ कि दीवाने आम क्या है, इसका क्या क्या यूज़ किया जाता था। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था जहाँ वे अपने प्रजा सभासदों एवं अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इसकी बनावट मुगलकालीन महलों से मिलती जुलती है। इसके अलावा विशेष अवसरों, विजय उत्सव, दशहरा, जन्मदिवस आदि पर शाही समारोह इसी स्थान पर मनाए जाते थे। लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनी इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर कुल मिलाकर 48 स्तंभ बने हुए हैं। इनमें से 16 स्तंभ संगमरमर के हैं और बाकी के 32 स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। दीवाने आम के पिछले हिस्से में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने बिलियर्ड रूम बनवाया था। दीवाने आम की दक्षिण दिशा में 27 कचहरी स्थित थी, यानी इसे लेखाजोगी विभाग के नाम से भी जाना जाता था। उस समय में राजा के अंडर में 27 रजवाड़े हुआ करते थे। उन रजवाड़ों का हिसाब किताब यहाँ पर बैठ के किया जाता था। यहाँ पर कुल 27 पिलर बनाए गए है जो इस जगह को 27 अलग अलग भागों में बांटते है, इसीलिए इसे 27 कचहरी कहा जाता है।
यहाँ पर उस जमाने का स्नानघर बनाया हुआ है। अरबी भाषा में हमाम शब्द का इस्तेमाल स्नानघर के लिए किया जाता था। यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए उस जमाने का गीजर बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, सामने नीचे दो छेद आपको नजर आ रहे हैं, उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। इसके अंदर की साइड पानी का टैंक है, जहाँ पर कॉपर की प्लेट लगाई गई थी। लकड़ियाँ जलने से पानी में रखी हुई कॉपर की प्लेट गर्म होने से पानी भी गर्म हो जाता था। इसी स्नानघर का उपयोग यहाँ के राजा और उनके परिवार किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, स्नानघर को अंदर से भी देखते हैं कि अंदर कैसा स्नानघर बनाया गया है। यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी के लिए अलग अलग हौज बनाए हुए हैं, और इसके साथ साथ कपड़े बदलने तथा मालिश करवाने के कक्ष भी यहाँ पर स्थित है, और पास में ही शौचालय भी बने हुए हैं। सामने जो गेट दिख रहा है उसे गणेश पोल कहा जाता है, और ये गेट राजा महाराजाओं के प्राइवेट महलों में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस द्वार पर गणेश भगवान की एक पेंटिंग बनी हुई है, और ये 300 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग है, और इनको सब्जियों द्वारा बनाया गया था। गेट के ऊपर जो जालियां दिख रही है उसे सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां से रानियां पब्लिक मीटिंग को सुना करती थी। तो दोस्तों, अब हम इस महल के तीसरे आंगन यानी दीवाने खास में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ दीवाने खास के पास, और इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी क्या हिस्ट्री है वो सब जानेंगे, और चलते हैं और दीवाने खास यानी शीश महल को अंदर से जाके देखते हैं। इस दीवाने खास के अंदर चार इमारतें आती है। इनमें से पहली है शीश महल, और इसके ऊपर वाली मंजिल पर है जस मंदिर और सुहाग मंदिर, और शीश महल के सामने बना हुआ है सुख महल। जस मंदिर के दरवाजे एवं जरोखे पर सुगंधित घास के पर्दे लगे रहते थे, जिसको पानी से भिगोया जाता था, जिसे शीश महल का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ सुगंधित हो जाता था। आमेर महल के आकर्षणों में से एक दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसी द्वारा करवाया गया था। निर्माता के नाम पर इसे जय मंदिर एवं कांच की सुंदर जड़ाई कार्य होने के आधार पर इसे शीश महल भी कहते हैं। दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों तथा दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। ये पूरा महल शीशों का उपयोग करके बनाया गया था, इसीलिए इसे शीश महल कहा जाता है। यहाँ पर छत के ऊपर आपको गोल्डन कलर की एक डिजाइन दिख रही होगी, तो ये सारा रियल गोल्ड है। तो दोस्तों, अब हम इस महल के चौथे आंगन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे जनानी ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। महल के इस बाग में राज परिवार की महिलाओं का निवास था, जिसमें राजमाताओं एवं रानियों के अतिरिक्त उनकी सेविकाएं भी यहाँ रहती थी। राजमाताओं एवं रानियों के पास बड़ी बड़ी जागीरों का स्वामित्व हुआ करता था, जिसका संचालन यहाँ से होता था। दोस्तों, यदि आप जयपुर आए हैं और आपने आमेर नहीं देखा, तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। तो दोस्तों, आमेर किला देखने के लिए यदि आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। आपको पिछली सीट में बैठे हुए लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना रहेगा, और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है, आरसी बुक है, लाइसेंस है, वो सब अपने पास में रखिए, नहीं तो यहाँ पर आपका चलन कट जाएगा। यहाँ पर जो आपको बड़ी कढ़ाई दिख रही है वो पुराने जमाने की नहीं है, बल्कि इसको हिंदी मूवी जोधा अकबर के लिए बनवाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सुरंग बनी हुई है, तो चलिए देखते हैं और सुरंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। मध्यकालीन किलों व महलों में विशिष्ट उद्देश्य के लिए सुरंग बनाई जाती थी। इसका उपयोग सुरक्षा तथा महल में गुप्त रूप से प्रवेश एवं निकास हेतु किया जाता था। आमेर महल के पश्चिम भाग में स्थित यह सुरंग जयगढ़ तक जाती है। यह रंग महल के कुछ पहले तक भूमिगत है। इसके आगे यह भूमि की सतह से ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों, पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे ये गुप्त रास्ते का यूज किया जाता था,
और ये वही रास्ता है, गुप्त रास्ता है। यह सुरंग महल की पश्चिम मुख्य दीवार की नींव भी बनाती है। इसमें मानसी महल, दीवाने खास तथा जनानी ड्योरी भागों से प्रवेश करने के लिए रास्ते बने हुए हैं। सुरंग में रोशनी हेतु मशाल लगी रहती थी। तो दोस्तों, यदि आप आमेर महल से जयगढ़ महल तक आप पैदल जाना चाहते हैं तो इसी सुरंग के जरिए आप लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के जयगढ़ महल तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं हाथी पोल पे खड़ा हूँ और ये हाथी के जाने का रास्ता है। राजा महाराजा के टाइम पे यहाँ पे हाथियाँ यहाँ से ऊपर जाते थे और हम लोग भी एलिफेंट पे ही गए थे जाने के टाइम पे। वो सिर्फ ऊपर हमें छोड़ देता है और वापस आने के टाइम में हमें पैदल चल के ही आना है। तो अभी हम पैदल चल के नीचे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।